हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। देर आर थ्री मेन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट एप्लीकेशन, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। मतलब हमें इस एप्लीकेशन में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की। तो इस एप्लीकेशन में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिस फॉर्मूला का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकल शेल की वजह से है। तो इस एप्लीकेशन को स्टडी करते वक्त हमें गॉस लॉ तो मालूम ही होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को डिस्कस किया है, उसी गॉस लॉ का यूज करके हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमें कंसीडर करना है सबसे पहले एक चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल हमने कंसिडर किया है, जिसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो सर्कुलर स्फेरिकल पार्ट दिखाया है, ये है हमारा चार्ज स्फेरिकल शेल, जिस स्फेरिकल शेल पे पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं हमने। इस शेल पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये टोटल पॉजिटिव चार्जेस है क्यू। मतलब यहाँ पे क्यू का मीनिंग होता है उस शेल पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल चार्ज हो गए, और ये शेल कंडक्टिंग है। हमने यहाँ पे जो ये स्फेरिकल शेल कंसिडर किया है, वो शेल यहाँ पे कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस इस शेल के सरफेस पे आने वाले हैं। यहाँ जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए वो सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इस शेल की वजह से, मतलब इन चार्जेस की वजह से इस शेल के सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाली है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाली है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ही हमें कैलकुलेट करनी है, यही आज का हमारा एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल की वजह से जो कुछ भी तैयार होगी वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे दिखाई है, ये जो एरोज दिखाए हैं मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स यहाँ पे आउटवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है, और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में तैयार हुई है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह तो कांस्टेंट नहीं होगी, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पैरामीटर पे या फैक्टर्स पे डिपेंड होगी, ये भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें और एक काम करना है, और वो है यहाँ पे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना है। तो अब यहाँ पे एक कैपिटल आर जो मैंने सिंबल लिया है, वो है इस स्फेरिकल शेल की रेडियस। कैपिटल आर का मीनिंग है रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, और वो इस स्फेरिकल शेल का सेंटर है। अब इसके सराउंडिंग स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करने वाला हूं, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट जो है, वो पी पॉइंट कहाँ पे है, वो पी पॉइंट है इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में। मतलब यहां तक शेल है ये, और इसके आउटसाइड में मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है, वो है पी पॉइंट। जिस पी पॉइंट का इस शेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, उसे हम सिंबल लेने वाले हैं स्मॉल आर। मतलब यहाँ पे स्मॉल आर का क्या मीनिंग है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, और हमें इस पी पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कैलकुलेट करना है। तो ये इस पी पॉइंट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन तो हमें पता है, वो आउटवर्ड है। अब इस पी पॉइंट पे लेट्स कंसिडर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस P पॉइंट पे जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी और पॉइंट पे भी हो सकती है? तो पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से वही है स्मॉल आर,
अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर पे सेंटर से स्मॉल आर ही होगा तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उतनी ही होगी जितनी पी पॉइंट पे है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन है वो अलग होगी। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे पॉइंट्स लिए जिन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से सेम होगा, मतलब स्मॉल आर होगा, तो इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। मतलब ऐसा कोई इतने बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ सकती है। तो हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यहाँ पे कंसिडर करना है एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये वही सरफेस है जिसे हमने गॉस लॉ में यूज किया था, वहां पे हमने उसे बोला था एक क्लोज्ड सरफेस। वही क्लोज्ड सरफेस जिसे हम यहाँ पे बोलने वाले हैं गॉसियन सरफेस, जिस सरफेस के अंदर चार्जेस होते हैं और उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था, उसी क्लोज्ड सरफेस को हम बोलने वाले हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस लेना है वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम जो कुछ भी लेंगे उस सरफेस पे कहीं पे भी आप पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे उस सरफेस के कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकेंड, हमें हम यहाँ पे जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर करने वाले हैं उस सरफेस का हमें एरिया भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तभी आप उस कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे वो जो गॉसियन सरफेस है, वो जो क्लोज्ड सरफेस है जो हमें यहाँ पे इमेजिनरी कंसिडर करना है वो किस तरह से हो सकता है, तो वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं इन सभी पॉइंट में से पास होने वाला एक सरफेस ड्रॉ करने वाला हूं। अब इन सभी पॉइंट से पास होने वाला ये जो सरफेस है उसे अगर हमने लिया तो ये एक स्फेरिकल सरफेस ही तैयार होगा, जिस स्फेरिकल सरफेस की यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस कितनी आएगी, स्मॉल आर आएगी। अब ये जो सरफेस है, ये जो बाहर का सरफेस है डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ, इस सरफेस को हम बोलने वाले हैं गॉसियन सरफेस। मतलब ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जो हम गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस के फॉर्म में लेते थे। और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस अब कितनी आ गई है, स्मॉल आर आई है। ये स्मॉल आर जो है ये क्या है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है यहाँ पे। और अब हम इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं। हमारा एक्चुअल में एम क्या था वो भी पता होना चाहिए, हम इस पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। और उसके लिए हमने ये गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया है, वो कौन सा है, वो ये बाहर वाला स्फेरिकल सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस का मैं एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करता हूं, ये जो टोटल सरफेस है इसका मैंने एक स्मॉल पार्ट कंसिडर किया यहाँ पे। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डीएस बोलते हैं। डीएस इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। डीएस इज व्हाट, इट इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। अगर मैंने यहाँ पे इस स्मॉल सरफेस को एक एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आने वाला है। अब ये है एरिया वेक्टर और ये है यहाँ इस पॉइंट में होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ सकती है कि यहाँ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, यहाँ पे वो आएगा 0 डिग्री। और अब हम इन सब पॉइंट्स का यूज करके हम निकालने वाले हैं इस स्मॉल सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस स्मॉल सरफेस में से जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसे हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, उसे पहले हम गॉस लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार और चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा लॉ है, ये है गॉस लॉ जो हमने पढ़ा है। अभी इस गॉस लॉ को यूज करके हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे इस स्मॉल सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं यहाँ पे मैंने लिखा है डी फाई।
DeFi is what? DeFi is the electric flux passing through the small surface ds. और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला है E bar dot ds bar, और इसे हम लिख सकते हैं E ds cos theta. ये मिल गया हमें इस स्मॉल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें इस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है हमें पता है. हियर थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर कॉस जीरो इक्वल टू वन. तो हम इस डी फाई को लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस. अब ये हमें मिला यहाँ पे क्या, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सरफेस. अगर मुझे इस टोटल गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा? अब ये जो स्टेप है ये हमने पिछली बार भी की है. क्या करना पड़ता है हमें, इस स्मॉल सरफेस में से जो फ्लक्स पास होता है उसका इंटीग्रेशन लेना होता है. तो इसके लिए हम इस इक्वेशन टू को इंटीग्रेट करेंगे. तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस विल बी, कितनी हुई है फ्लक्स की वैल्यू, तो हमें इंटीग्रेट करना है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. अब इसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं हम, पर यहां पे ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे आप कहीं पे भी पॉइंट लीजिए वो तो कॉन्स्टेंट ही है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं. तो फॉर्मूला मिलेगा ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस. पर यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएस का मीनिंग क्या है फिर? अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएस का मतलब है डीएस मतलब ये स्मॉल सरफेस, और इंटीग्रेशन डीएस का मतलब है इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया. इंटीग्रेशन डीएस का मतलब यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम, इस टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया. तो ये एरिया क्या हो सकता है, हियर इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू इस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू आनी वाली है 4πr². ये 4πr² क्या है, इस पूरे गॉसियन सरफेस का एक एरिया है, सरफेस एरिया है इसका. अगर इस वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज किया तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मिलने वाला है फाइ इक्वल टू ई इंटू 4πr². ये हमें एक फ्लक्स का फॉर्मूला मिला. अगर हमने इस फॉर्मूला को इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन के साथ कंपेयर किया तो हम दोनों फॉर्मूला को मिला के हम लिख सकते हैं ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. ये एक फॉर्मूला मिल गया. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वेयर. तो हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिला है यही फॉर्मूला है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए. इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि अब ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे है, वो है चार्ज पे, जो चार्ज इस स्फेरिकल शेल पे है, और उस पॉइंट का जो सेंटर के पास से डिस्टेंस था उस डिस्टेंस के स्क्वायर को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब इस पी पॉइंट को हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है उसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो गया इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए फॉर्मूला. अब हाँ, ये जो पी पॉइंट है, एक बात याद रखिए कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में है, और उसी के लिए सिर्फ हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें कि टर्म याद रखिए कांस्टेंट है, क्यू का मतलब है स्फेरिकल शेल पे जो टोटल चार्ज है वो चार्ज है, और आर का मतलब है स्मॉल आर द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल. और इस फॉर्मूला का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूला को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसे कैसा लिखा जा सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका सिंबल होता है सिग्मा. सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. तो इसका मतलब क्यू अपॉन एरिया का फॉर्मूला तो आ जाएगा 4πR²
कैपिटल आर लिया है क्योंकि ये डेंसिटी किसकी है, ये स्फेरिकल शेल की है जिसका जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इस फॉर्मूला से हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू 4πr². अगर हमने इस चार्ज की वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज किया तो हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाय r². तो यहाँ पे 4π कैंसिल होगा और जब ये 4π कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी सिग्मा कैपिटल r² / ε0 r². ये जो फॉर्मूला अभी हमें मिला है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, दोनों सेम ही फॉर्मूले है, सेम ही कंडीशन के फॉर्मूले हैं। ये दो फॉर्मूले मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर हमें चार्ज गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो सेकेंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को मिलती है जो इस स्फेरिकल शेल के वजह से उसके आउटसाइड में तैयार होती है। ये था हमारा आज का पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, जो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिले हैं। किसकी वजह से थी वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की। एक सिंपल टेक्निक है, थ्योरेटिकली तो ये इंपॉर्टेंट ही है, इस पे नीट जेईई में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ कंडीशंस है, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव किया है, पर हम इस फॉर्मूलाज को डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं अब आगे हमें वो स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं हम, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूला को हम डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी जो पहली जो कंडीशन है, यहाँ पे मैंने जो केस वन लिखा है, ये कंडीशन अभी हमने डिराइव की है कि कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन है इफ पॉइंट पी इज एट आउटसाइड दी शेल, इस शेल के आउटसाइड में पॉइंट अगर होगा तो ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे, ये दो फॉर्मूले हम कब यूज कर सकते हैं, कि तभी यूज करना पड़ेगा जब हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट अगर उस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में है तभी हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन में लेने वाला हूं, पहली कंडीशन तो हमने अभी डिराइव की है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में मैंने ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट लिया है सरफेस पे, मतलब इस स्फेरिकल शेल के सरफेस में अगर मैं ये पी पॉइंट लेता हूं तो इस पी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं जब ये पी पॉइंट आउटसाइड में था तो हमने इस डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या लिया था, तो वो सिंबल था स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब था सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस था। अभी ये पी पॉइंट हमने कहां पे लिया है, इस सेल के सरफेस पे लिया है। अगर ये पी पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कैपिटल आर, कैपिटल आर डिस्टेंस स्मॉल आर की जगह हम ले सकते हैं। कैपिटल आर क्या है, इस स्फेरिकल शेल की रेडियस है, और अगर हम इस स्फेरिकल शेल के रेडियस को लेंगे तो हमें इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। मतलब एक सिंपल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q/R². ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कब यूज करना है इसे, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जब हमारा पॉइंट स्फेरिकल शेल के सरफेस पे होगा, तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ का एरिया आने वाला है 4πr². तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², और अगर हमने इस चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे यूज किया तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0, चार्ज की जगह हम लिखने वाले हैं सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय कैपिटल r², मतलब यहाँ पे 4π और कैपिटल r² कैंसिल होगा और हमें फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा अपॉन ε0। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा जो फॉर्मूला लेना है वो लेना है सिग्मा अपॉन ε0। ये एक फॉर्मूला हम ले सकते हैं और ये पहला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों को हमें कहाँ पे यूज करना है,
तो हमें इन दो फॉर्मूला का यूज करना है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है उस स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पे या नियर दी सरफेस, तो हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन में हमने इस पॉइंट को लिया है स्फेरिकल शेल के अंदर, मतलब ये दो कंडीशन हो गई। पहले कंडीशन में पॉइंट आउटसाइड में था स्फेरिकल शेल के, दूसरे कंडीशन में हमने पॉइंट कहां पे लिया है, सरफेस पे। अब तीसरी कंडीशन में मैं इस पॉइंट को, मतलब इस पी पॉइंट को लेने वाला हूं इस स्फेरिकल शेल के अंदर, जो मान लेते हैं कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? अगर होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी और वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो हमने पढ़ा था वो याद होना चाहिए कि अगर ये कंडक्टिंग है, ये स्फेरिकल शेल अगर क्या है, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टर के इनसाइड में तो चार्जेस होते ही नहीं है। कंडक्टर के इनसाइड में चार्जेस नहीं होते है, तो अगर इनसाइड में चार्जेस ही नहीं है तो चार्जेस नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगी। दूसरी एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स पास ही नहीं होती, जिस वजह से कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। मतलब अगर ये स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग है, ये स्फेरिकल शेल अगर क्या है, कंडक्टिंग है, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, जीरो है। अब अगर हमने ये मान लिया था कि ये स्फेरिकल शेल है जो अंदर से होलो है, तो इसका अंदर से जो होलो पार्ट था, वो होलो पार्ट जो कैविटी है, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी जीरो। तो इसके इस प्रॉपर्टी का हम यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी करते हैं। मतलब आपको किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसे हम इस कैविटी में अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कभी आ ही नहीं सकती, जिससे उसका प्रोटेक्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो हमें ये तीन चीजें याद रखनी है, तीन डिफरेंट कंडीशन को इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होती है, और ये सब यूज करना है हमें कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए। मतलब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं इसके लिए हमने ये स्फेरिकल शेल किस तरह से लिया था, कंडक्टिंग लिया था, कोई मेटालिक स्फीयर होगा। तो इसे हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। ग्राफिकली मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन लेते हैं, क्या वेरिएशन ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है डिस्टेंस और यहाँ पे मैंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, तो आप सोच सकते हैं डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, जीरो है, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है, ओरिजिन पे स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल आर की वैल्यू आपने जीरो ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। मतलब इस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है। यहां से सरफेस तक, मतलब सेंटर से लेकर कैपिटल आर तक, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस स्फेरिकल शेल के अंदर आएगा, पर हमने तो यहां लिखा है इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब कैपिटल आर जब तक डिस्टेंस आता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है। और यहां पे आने तक इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये जो पार्ट है इस स्फेरिकल शेल के अंदर का पार्ट है। पर जब हम सरफेस पे आते हैं, कैपिटल आर आ गया मतलब हम कहां पे आ गए, अभी सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मतलब इस स्फेरिकल शेल की वजह से जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे है, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस में है। मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, फिर इस सरफेस पे। यहां मैं लिखता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके सरफेस पे, और यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू, जिसे हमने स्मॉल आर भी लिखा है डिस्टेंस के लिए, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से फिर कम होती जाएगी। मतलब इस तरह से हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती है,
और ये प्रोपोर्शनैलिटी भी आप देख सकते हैं इनवर्सली है, और ये जो पोर्शन है वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर का है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। अब ये जो फॉर्मूले तैयार किए हैं, आपको ये सोचना होगा कि अगर ये स्फेरिकल शेल नॉन कंडक्टिंग होता, मतलब अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो उसके लिए हम फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। पर यहाँ पे ये जो पहले दो कंडीशंस है वो नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए भी यही आती है, सिर्फ एक फॉर्मूला हम कंडक्टिंग शेल का नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं ले सकते, वो है अंदर वाला फॉर्मूला। मतलब इस सरफेस के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, ये नहीं कह सकते अगर ये स्फेरिकल शेल नॉन कंडक्टिंग है। क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में है देखते हैं, और उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। मतलब अब हम सिर्फ इस तीसरी कंडीशन को डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए ट्रू नहीं है। ये ले सकते हैं हम तीनों कंडीशन, वो सिर्फ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए। तो अब हम आगे डिराइव करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, अगर पॉइंट उसके इनसाइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम और एक कंडीशन स्टडी करते हैं कि अगर ये स्फेरिकल चार्ज सेल, ये बड़ा वाला मैंने दिखा है, मतलब वो वही स्फेरिकल शेल है, पर अभी ये जो स्पीयर है ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज है ये, पर ये स्पीयर नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से इस स्पीयर के पूरे सरफेस में अंदर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो क्या होता, चार्जेस सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते, अंदर नहीं होते, पर ये अभी नॉन कंडक्टिंग है, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर भी क्या होने वाले हैं, चार्जेस प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर चार्जेस है तो इसके अंदर, मतलब इस सरफेस स्फेरिकल शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन तैयार करते हैं। आसान है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। सपोज ये एक पॉइंट है जिसे मैं बोलता हूँ पी पॉइंट, जो हमारा पहली कंडीशन में आउटसाइड में था, दूसरी कंडीशन में सरफेस पे था, अब तीसरी कंडीशन में ये कहाँ पे है, इनसाइड में है, और ये इनसाइड में जहां पे है उस पी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लिया था स्मॉल आर। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल आर। यहाँ पे एक कंडीशन है जिसे हमें याद में रखना है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। रेडियस के से भी ये स्मॉल आर छोटा है, इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट है वो स्पीयर के अंदर है। अब इस पी पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मेथड वही यूज करनी है। इस पी पॉइंट में से पास होने वाला हमें लेना है एक गॉसियन सरफेस, मतलब एक सिमेट्रिक सरफेस, जिस सरफेस का हमें एरिया पता होना चाहिए, और उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये मैंने एक सरफेस लिया है जो है यहाँ का गॉसियन सरफेस, और जिस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। पर अब ये नहीं कह सकते हम कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज होगा, क्योंकि क्यू का मतलब हमने लिया था क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। पर यहाँ पे पहले वाले आर्टिकल में गॉसियन सरफेस हमारा बाहर था, तो उसके अंदर ये टोटल चार्ज आया था, इसलिए हमने क्यों ही लिया था देख ली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर चार्जेस है, पर पूरे टोटल क्यों चार्जेस नहीं है, थोड़े चार्जेस है इसके अंदर, तो हमें गॉस लॉ यूज करने के लिए इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वही चार्जेस लेने होंगे। पर हमें वो तो पता नहीं है कि स्मॉल सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है, तो हम उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार करते हैं। हमें टोटल चार्ज पता है, क्यों पता है, इस सरफेस की रेडियस पता है, गॉसियन सरफेस की भी रेडियस पता है, तो इसका यूज करके अगर मैंने फॉर्मूला लिया कि सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला आता है चार्ज अपॉन एरिया, जो हम ले सकते हैं 4πr². ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, इस स्फेरिकल शेल की। तो ये सिग्मा आ गया। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, चार्ज लिखा है मैंने, पर वो कहां पे लिखा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो सिग्मा में अगर लिखना होता तो चार्ज का फॉर्मूला आता क्यू इनटू गॉसियन सरफेस का एरिया।
एरिया है जो, वो एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का ये एरिया है। तो हम सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो इनसाइड में जो चार्ज है वो चार्ज मिलेगा क्यू इक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला था क्यू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आ गया, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। या हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं तो हम सिर्फ चार्जेस आउटर सरफेस के लेते हैं, पर यहाँ पे इनसाइड में भी क्या है, चार्जेस है, तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबॉल क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबॉल होता है रो, और इसका मतलब है चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यह है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस स्फेरिकल शेल की। अब इस स्फेरिकल शेल के अंदर मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड में जितने भी चार्जेस है वो कैलकुलेट करने हैं, तो हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इस गॉसियन सरफेस का एरिया, सॉरी एरिया नहीं, यहां पे हमें लेना है गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो अब इसे हमने यूज किया तो क्या आ जाएगा, इनसाइड में जो चार्ज आने वाला है उसका फॉर्मूला आएगा, रो का फॉर्मूला है क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू वॉल्यूम। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल होता है और यहाँ पे फॉर्मूला आता है क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्या मिला है हमें, ये मिला है चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैं इस सिर्फ चार्ज के फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यह हमें इनसाइड का चार्ज मिला। अब मैं इसका एक स्मॉल सरफेस लेता हूं, सेम मेथड है जो हमने पहले पढ़ी है, इस गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल सरफेस लिया ds। अब इस स्मॉल सरफेस का ये होगा एरिया वेक्टर। अब जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे आउटवर्ड होगी ई बार, मतलब ई बार और ds बार दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे भी जीरो है, तो हम cos 0 को 1 ले सकते हैं फ्लक्स के फॉर्मूला में। तो अब यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस ds में पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं dphi इक्वल टू ई ds, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई, 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो क्या है, 0 है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सरफेस। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, मतलब ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। पर यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस का मतलब होता है टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया, और गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 4π आर स्क्वेयर। ये आ गया इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू 4π आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब जब हमने गॉस लॉ जो यूज किया था, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, गॉस लॉ का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अभी इनसाइड में चार्ज ये है, तो ये अगर चार्जेस हमने लिए तो फॉर्मूला होगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से अगर हमने ये दोनों इक्वेशन को, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4π आर स्क्वेयर इक्वल टू, फॉर्मूला आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये फॉर्मूला आ गया हमें। अब इसे अगर हमने ई के लिए इक्वेट किया तो ई इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1/4π इप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वेयर है, आर क्यूब है, एक आर बचेगा, तो फॉर्मूला होगा क्यू
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला मिला है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हमें ये फॉर्मूला कब लेना है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन, ये चार्ज स्फीयर जो था, ये चार्ज स्फीयर होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग, जो हमें इस कंडीशन में लिखा है। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है और उसके अंदर में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये है इसके अंदर के फॉर्मूला का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो है फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या देखा है, गॉस लॉ का एक ही एप्लीकेशन हमने देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल शेल और स्पेरिकल कंडक्टर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम अभी इसी गॉस लॉ का यूज करके इसके और दो एप्लीकेशन स्टडी करने वाले हैं। ओके।